हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीडियो। आई होप गाइस यू आर डूइंग ग्रेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले। काफ़ी लोगों के जो है मुझे डीएम्स आ रहे थे जब मैं लास्ट टाइम कराची गई थी, ठीक है, आप लोगों ने व्लॉग देखा था तो मैंने बताया था कि हम लोगों ने जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग की है स्किन केयर के हवाले से, हेयर केयर के हवाले से, ठीक है। सो वो लोग कह रहे थे कि हमें प्लीज़ शो करें, दिखाएँ आपने क्या ख़रीदा। तो फाइनली आई एम हेयर। ये वो प्रोडक्ट्स है जिनके जो मैंने नहीं ख़रीदे, ये जो है मेरी भाभी ने खरीदे थे और इसमें कुछ मेरी मम्मा के हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो है चाह रही थी कि ये पहले एक दफ़ा यूज़ हो जाए, फिर इसका देख लें कि ये किस तरीके से जो है काम करते हैं, इसके क्या है साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है और ये किन किन चीज़ों पे जो है वर्क करता है। सो आफ्टर यूज जो है मैं जो है इस पर वीडियो बनाने लगी हूँ। मैं आप लोगों को वन बाई वन दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये देख लें, ठीक है। ये मेकअप फिक्सर है, ठीक है। ये दो जो है मेकअप फिक्सर है, ठीक है। एक जो है मेरी मम्मा का है और एक जो है ना मेरी भाभी का है, ठीक है। दोनों की स्किन टाइप अलग है, ठीक है। और इसके प्राइस भी मैं आप लोगों को जो है शेयर कर देती थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल याद नहीं है। पहले आप इसका अंदर से देख लें, ठीक है। ये हेलोरोनिक एसिड सीरम है। हेलोरोनिक बेसिकली जो आपकी वाटर की जो कमी होती है उसको जो है ख़त्म करता है। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो है डिटेल्स इसके ऊपर मेंशन है। और मेकअप फिक्सर का मैंने आपको यूज़ बताया है कि आप आफ्टर बेस जब है आप मेकअप फिक्सर यूज़ करें तो उससे जो है ना आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग बनता है, ठीक। और ये इसके जो है ना डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। सेकंड नंबर पे ये वाला, ठीक है, मेकअप फिक्सर है। मेरी मम्मा का टोटली जो है ख़त्म हो गया था मेकअप फिक्सर। वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मेकअप फिक्सर यूज़ करती हैं, डेली बेस पे भी यूज़ कर रही होती है। तो ये इसकी कंपनी है, ठीक है। और ये प्रोटीन मेकअप फिक्सर है, ठीक है। आपकी जो है लॉन्ग लास्टिंग जो है बनाता है आपके मेकअप की, ठीक है। ऑयल कंट्रोल है और एंटी ऑक्सीडेंट है। मेरी मम्मा की जो स्किन है ना वो ऑयली स्किन है, सो उसके लिए ये परफेक्ट है। ये वाला जो है मेकअप फिक्सर मेरी मम्मा ने यूज़ कर चुकी हैं, ठीक है। और शी सेड कि ये बहुत अच्छा है और आप लोग दे सकते हैं, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, ठीक है। और ये भी इसकी जो है यहाँ पर डायरेक्शन मैंशन हुई हुई है। तो ये देखें आप इसकी क्वान्टिटी, अंदर से कुछ इस तरीके का है और शो करने लगी हूँ, ठीक है। ये वाला ब्लशन ये मम्मा ने जो है परचेस नहीं करना था, बट उनका जो है ये सामने जो है उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था तो बस मम्मा का मूड हुआ और उन्होंने ले लिए, क्योंकि उनके पास जो है ब्लशन भी जो है नहीं था। ये 6-in-1 पैलेट है, ठीक है, कंपनी देख सकते हैं आप लोग। और ये मैट ब्लशर है, ठीक है। मैं आपको थोड़े बहुत जो है इसके स्वैच दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दो सनस्क्रीन आप देख सकते हैं, ये सेम है, ठीक है। ये दोनों ने सेम ही ले ली थी, ये बहुत अच्छी है। ये भी मैंने यूज़ की है, ठीक है। मैं मम्मा की चीज़ें मोस्टली यूज़ कर लेती हूँ जब मैं यहाँ पे आती हूँ। ये डर्माटोलॉजिकल जो है टेस्टेड है, फॉर ऑल स्किन टाइप है, प्रोफेशनल केयर है, ठीक है। एंड 60 SPF है जो फिक्सर है, और जो ये सन स्क्रीन है ये जो है सेम ही कंपनी का है। ऑल डिटेल यहाँ पे मेंशन है, जब आप इसे बाय करें तो आप इसे जो है पढ़ सकते हैं, यूजेज भी इसका लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैं आप लोगों को जो है शो करती हूँ, ये जो है ये क्या था, हाँ, बॉडी वॉश एंड प्लस स्क्रब था, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो इसका जार भी ले सकते हो, ठीक है। उसका स्क्रब अलग है, ठीक है। ये दो था, ठीक है, पेयर था इसका, ठीक है। एक क्रीम भी था और एक ये था, बट ये जो है उन्होंने कहा था कि आप एक भी ले लो तो जो है ये काफ़ी है, ठीक है। ये वीडियो में जो हाथ नज़र आने नहीं है हमारी भाभी साहब बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी इसके सारे फ्लेवर्स वहाँ पे मेंशन थे। लेकिन जो है आईना ने चूज़ किया था ये स्ट्रॉबेरी जो है बॉडी वॉश, ठीक है। और 100% नेचुरल स्क्रब है, 300 ml है, और ऐसे डिटेल भी ऑल मेंशन है। अगर मैं आप लोगों को एक एक जो है प्रोडक्ट की डिटेल जो है बताने लगूंगी तो काफ़ी जो है वीडियो लॉन्ग हो जानी है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो है मुझे बहुत जो है प्यारा लगा है और मैं भी सोच रही हूँ कि ये वाला मैं ले लूँ, क्योंकि कैरेटीन जो है, आप लोगों ने कैरेटीन लिया हुआ हो बालों में, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने कलर वगैरह भी लिया हुआ हो तो उसके लिए भी अच्छा है। ये आपके बालों की जो है रफनेस को ख़त्म करता है, आपके बालों को स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है, ठीक है।
ठीक है, और यहाँ पे डिटेल भी मेंशन है, ठीक है, ऑयल फॉर ऑल काइंड ऑफ हेयर्स, ठीक है, प्रोटीन एंड आर्गन ऑयल के साथ ये जो है मौजूद है, हेयर मास्क है, बालों को रिस्टोर करता है, मतलब जो डैमेज हुए हुए होते हैं, ठीक है। आप लोग की जो है इसका जार दिखाते हैं, इसका जार बहुत बड़ा है, मतलब ये आपके ना आराम से 1 ईयर जा सकता है। इंग्रेडिएंट्स, फंक्शन, डायरेक्शन एंड प्रिकॉशन ऑल यहाँ पे मौजूद है। नाउ यू कैन सी खुशबू भी बहुत अच्छी है, ठीक है, बालों में आपकी एक खुशबू अच्छी से रहती है, और आफ्टर यूज जो है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हो गया, रिकमेंडेड है, आप लोग जो है बाय कर सकते हैं। नाउ लास्ट थिंग मैं आप लोगों से जो है शेयर कर रही हूँ, डॉक्टर वॉल्टेन है, ठीक है, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट ये जो है ऑल इन वन है, मतलब ये आपकी स्किन को जो है क्लींस भी करता है और साथ के साथ जो है ये स्क्रब भी करता है आपकी जो है फेस की स्किन को, ठीक है, और कॉफ़ी की जो है स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, डिटेल इसकी, ठीक है, सारी मेंशन है, और आपकी स्किन के लिए भी, मतलब ये ऑर्गेनिक है, और ये मिंट का जो है, मिंट और कॉफ़ी का साथ बना हुआ है, ठीक है, कंबाइन बना हुआ है, और ये देखें अंदर से कुछ इस तरीके का है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी DMs आ रहे थे कि आप प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं, वीडियो बनाएं, वीडियो बनाएं, सो फाइनली वीडियो इज़ हेयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा।